Yeah, I like my handsome face. Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, I'm worldwide handsome. Worldwide artist and worldwide handsome. Yeah, I make new nickname. Worldwide cutie guy. Yeah, I'm worldwide handsome. Hello. Yeah, I have six pack. Yeah, you know my skin is clean. Yeah, you want to touch?Look mirror and watch my face. Yeah, my face handsome. Turn it on my handsome. My smile handsome. Hey, turn it on my handsome. Yeah, my face handsome. Turn it on my handsome. Yeah, my smile handsome. Yeah, turn it on my handsome. Jin, I'm worldwide handsome. Jin, I'm worldwide handsome. Jin, I'm worldwide handsome. Jin, I'm worldwide handsome. Wow.Handsome. I'm worldwide handsome. I'm worldwide handsome. Jin, I'm worldwide handsome. Worldwide artist and worldwide handsome. Yeah, I make new nickname. Worldwide cutie guy. Yeah, I'm worldwide handsome. Hello. Yeah, I have six pack. Yeah, you know my skin is clean. Yeah, you want to touch?Look mirror and watch my face. Yeah, my face handsome. Turn it on my handsome. My smile handsome. Hey, turn it on my handsome. Yeah, my face handsome. Turn it on my handsome. Yeah, my smile handsome. Yeah.Hello army, welcome to back my channel and how are you? Are you also fine? तो army ये different nature का part है, so I hope ये part आपको अच्छा लगे। Video start करने से पहले army मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो मेरे channel को subscribe कर दीजिए और आप मेरी video को like कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। अब चलिए video को start करते हैं। And हाँ army मैं आप लोगों से एक बात भी कहना चाहती हूँ। जितनी भी stories मैंने निकाली है, जब तक कि उसमें 1k like नहीं होगा, उसका next part मैं upload नहीं करूँगी। और अगर आपको जिस भी story का जल्दी से next part चाहिए, तो उस part में आप 1k like जल्दी से कर दीजिए, फिर मैं उसका जल्दी से अपलोड कर दूंगी। और अगर आपने नहीं किया तो मैं उसको लेट करूंगी जब तक कि वो 1k नहीं होता। वो आप लोगों के ऊपर है, आप जितनी जल्दी करेंगे मैं उतनी जल्दी अपलोड करूंगी। और हाँ, एक और बात कहना चाहती हूँ कि स्क्वायर का जल्दी हो जाता है, ये मत कहना कि मैं उसका जल्दी वाली पार्ट अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज उसमें 1k हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट नेचर और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी जल्दी वाली पार्ट आए, तो आपको उसमें भी 1k करना होगा। आर्मी आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते, आप में से बहुत लोग तो लाइक कर देते हैं लेकिन देखने की संख्या ज्यादा होती है, मगर लाइक करने की बहुत कम। आई नो आर्मी आप मुझे सेल्फी समझ रहे होंगे, पर मैं क्या करूँ आर्मी, आप लोगों को करना ही होगा, बिकॉज इस पार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों को ये पार्ट छोटे लगते होंगे, मगर ये छोटा नहीं है। जो बनाता है उससे पूछो कि ये पार्ट कितना लंबा है। इस पार्ट को बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, बिकॉज हम लोग उसी वक्त डबिंग करते हैं और उसी वक्त एडिटिंग करते हैं इसीलिए। सो आर्मी ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं जब तक कि वो पार्ट कंप्लीट नहीं होता। इसकी वजह से हमें बहुत डांट भी पड़ती है कि पहले खा लो तब बनाओ, मॉम यही कहते हैं। लेकिन क्या करूँ, जब तक कि पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता एक टेंशन लगी रहती है, इसलिए पहले मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें कितना हार्ड वर्क लगता है, तो प्लीज आर्मी लाइक कर दीजिए। तो वैसे भी लाइक करने में आपको क्या जाता है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैंने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर लिया है, उसको मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी। ये क्या, अभी तो वो दोनों यही थे, आखिर अचानक से कहाँ चले गए? लेकिन आखिर वो उसे ले कहाँ गया होगा, मुझे ढूंढना चाहिए या फिर नहीं? लेकिन मुझे ढूंढना होगा क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट है और उसकी प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी, मुझे ढूंढना ही होगा। उसके बाद योंजन जिमिन के टॉप के बटन्स खोल देता है। जब जागी रहती हो तब तो मैं तुम्हें छू भी नहीं पाता हूँ, और अब देखो ऐसे पड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरा प्लान ये नहीं है। मैंने अपना काम तो पहले ही कर दिया, कुछ देर में सभी लोग आते होंगे, मगर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से जाना तो चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या एक ट्रायल ले लूँ, क्योंकि मेरा जी मानेगा नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। अब मैंने इतनी मेहनत की है और यहाँ इसे लेकर आया हूँ, तो उसका कुछ तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए ना। एक काम करता हूँ, एक किसी कर लेता हूँ। जिमिन तुम, तुम और जिमिन ऐसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और जिमिन की हालत तुमने ऐसे की है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैंने नहीं किया। मैं ये क्या, वो भाग क्यों गया? शायद उसने ही ऐसी हालत जिमिन की है। ओह गॉड, वो जिमिन के साथ क्या करने वाला था? अच्छा वो मैं सही टाइम पर आ गया। और जिमिन इसकी हालत देखो, मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ अपनी शर्ट से पहना देता हूँ, तब ये कवर हो पाएगी। इतना बोल कर जंगो अपनी शर्ट उतारता है और वो जिमिन को कवर कर देता है। जिमिन तो ये अंकल आप यहाँ ये क्या, तुम दोनों ऐसे और जिमिन भी?
हैं और वो सब देख लेते हैं। हाँ? ये सब क्या हो रहा है और जिमिन की ऐसी हालत कैसे है? और ये क्या जंगकुक, आप ये क्या, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जिमिन को उठा और उसे पूछ लो। फिर जिन जिमिन के फेस पर पानी की छींटे मारती है और जिमिन उड़ जाती है। ये क्या जिमिन, तुम उड़ गई ना, अब बताओ ये सब क्या हो रहा है? ये क्या तुम और ऐसे और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करूँगा। ओह, तो तुमने ये रास्ता अपनाया है मुझसे शादी ना करने के लिए? ठीक है, तुम हार गई, मैं तुमने ऐसा कर दिया, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ? ये सब तुम क्या बोल रही हो, इन्हें बताओ ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या बोलूं मैं, हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, वरना और कौन करेगा? तुम ही थे मेरे पास। कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मॉम देखिए, मैं इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप इसे बहुत अच्छा समझती थी ना, देख लिया ना इसका असली चेहरा। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ठीक नहीं है, मगर आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इसके साथ लगा दी। आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा है, वरना मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं लगाती एंड ये शादी अब नहीं होगी। नहीं आंटी, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो बेटा घर चलते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना। इतना बोलकर सभी बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत सारी मीडिया थी जो उन्हें घेर लेती। जिमिन के टॉप पे बटन खोल रहा होता है लेकिन सिर्फ उसके हैंड ही दिख रहे थे, इसलिए सबको लगा कि वो जंगकुक है। सर, आपकी शादी तो वैसे भी मैम के साथ होने ही वाली थी, तो आपको थोड़ा वेट नहीं हुआ, आपने मैम के साथ ऐसा क्यों किया? जस्ट शट अप, ओके? मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ये इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। सर, आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। हाँ सही कहा, जब सब पकड़े जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं नहीं हूँ। जंगकुक बहुत कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। ये बात फैल चुकी थी जिसकी वजह से बोगम और जिस्सू को भी ये बात पता चल गई थी, और वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। मॉम डैड देखिए ना, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम आपने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी इस लड़की के लिए, इसने मुझे फंसाया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको मुझ पर बिलीव नहीं है? आई एम सॉरी बेटा जिमिन, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मॉम आप इसे सॉरी क्यों बोल रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया मॉम, ये जानबूझकर कर रही है ताकि कि आप इसकी शादी मेरे साथ ना करें, ये ऐसा ही चाहती है और इसीलिए इसने ऐसा किया, ये मुझे फंसा रही है। मॉम जंगकुक शट अप, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हें देख नहीं रहा कि वो बेचारी रो रही है, वो ऐसा क्यों करेगी? और हाँ, शादी तुम नहीं करना चाहते थे वो नहीं, और तुम्हें जिमिन सॉरी बोलने के बजाय तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। डैड मैं सॉरी क्यों बोलूं जबकि गलती इसकी है? जस्ट शट अप, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। आरएन आई एम सॉरी, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। तो सर अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे, अब तो आपकी बेटी से कोई शादी भी नहीं करेगा, क्या करेंगे आप? आर्यन अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं करवाना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, गलती मेरे बेटे की थी, उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। हाँ नहीं करवाना, आपकी बेटी ने ऐसा कर ही दिया है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब मैं उसका क्या करूँगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की लाइफ खराब कर दी, आपके बेटे को तो दूसरी लड़की मिल जाएगी पर मेरी बेटी का क्या होगा? जिनू शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात करेंगे, हाँ आपकी बात करने की वजह से ये सब हो रहा है, मेरी बेटी नहीं चाहती थी ये शादी करना लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे थे, अब देखा क्या हो गया? जिनू मैंने कहा ना शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो मिस्टर आरएम अब आप बताइए कि आप अपनी बेटी की शादी किसे करवाएंगे, बिकॉज कोई तो उसे करेगा नहीं, और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोसाइटी कभी भी ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप ही बताइए। हाँ हाँ मिस्टर आरएम, हम लोग आपका जवाब जानना चाहते हैं, बताइए क्या करेंगे आप? मेरी बेटी की शादी होगी और जॉन फैमिली में ही होगी। क्या आप ये कैसा बोल सकते हैं, आप इतना सब कुछ हो गया फिर भी ऐसा बोल सकते हैं? डैड ये आप क्या बोल रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद आप मेरी शादी उससे करा रहे हैं, आप इतना गुस्सा है मुझसे? हाँ जिमिन तुम शांत रहो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। आपको अभी भी लगता है कि मेरा फ्यूचर इस इंसान के साथ अच्छा होगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया? आरएम आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ। जिनो तुम बोल रही हो क्या, ये मेरी भी बेटी है और मुझे भी इसके फ्यूचर का ख्याल है, तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो उसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, अब सब लोग शांत हो जाओ, जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। जिमिन तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ ही होगी, बोगम ये शादी जल्दी होगी, ये शादी कल ही होगी। ठीक है आरएम, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो, मैं रेडी हूँ। पर डैड मेरी बात तो सुनिए, मैं इससे शादी चुप रहो जंगकुक, जो भी बात करनी है घर पर करेंगे, यहाँ पर कोई भी बखेड़ा मत करो। उसके बाद
बाद जियोन फैमिली भी वहाँ से चली जाती है। डैड आप हमेशा मुझे चुप करा देते हैं, आप लोगों को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा। नहीं बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहाँ पर तुम्हें थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर हम वहाँ ऐसा नहीं करते ना तो सबको ऐसा लगता कि हम अपने बेटे का साथ दे रहे हैं। तुमने भले ही कुछ ना किया हो लेकिन सबको तो यही लगेगा ना कि तुम गलत हो, और अगर हम उस वक्त तुम्हारा साथ दे देते तो सबको लगता कि हम अपनी बेटी के गलत काम में भी साथ दे रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा किया था। पर अगर तुमने इस शादी के लिए मना कर दिया ना तो सबको ऐसा ही लगेगा कि सारी गलती तुम्हारी थी और तुम अपनी गलती से पीछे हटना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी बेकसूरी साबित करनी है ना तो तुम्हें शादी करनी होगी। तो मुझे और कुछ भी नहीं सुना, तुम अपने रूम में जाओ और हाँ कल रेडी रहना, कल तुम्हारी शादी होगी। जिमिन बेटा प्लीज रोना बंद करो, देखो जो होना था वो हो गया, अब हम इसे नहीं बदल सकते। क्योंकि बेटा ये सब जो भी मैंने किया तुम्हारे लिए किया, तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। बेटा बस इतना समझ लो कि तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं होती। देखो जंको को तो सच में कोई और लड़की मिल जाती, मगर तुम्हारे लिए हम लड़का नहीं ढूंढ पाते, इसलिए मैंने ऐसा। बेटा इस सोसाइटी को तो जानती हो ना, सब तुम्हें ही दोस्त थे इसलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज बेटा मुझे गलत ना समझो, जो मैंने किया सब तुम्हारे लिए किया। जिमिन अब तो मुझे भी लगता है कि आर्यन ने जो भी किया वो सही किया, तुम्हें आर्यन की बात मान लेनी चाहिए और ये शादी कर लेनी चाहिए। जंकुक ये तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने अपनी हद पार कर दी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी करोगे उसके बाद मुझे टॉर्चर करोगे? मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ गया है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम मुझसे शादी कर अपना बदलना चाहते हो ना, और इसीलिए तुमने ऐसा किया ताकि ये शादी हो। लेकिन तुम अभी मुझे नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ, मैं तुम्हारे प्लान को फेल कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। और रही बात की जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। ओ गॉड इतनी रात हो तो कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही, मैं घर कैसे जाऊं? ये कौन सर, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, वो एक्चुअली मैं घर जा रहा था, मैंने देखा कि तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने कैब बुक कराई है, कुछ देर में आ जाएगी। अगर कैब के सहारे रहोगी तो खड़ी ही रह जाओगी, देखो मौसम भी खराब हो रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चलो ड्रॉप कर देता हूँ। सर मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, आप रहने दीजिए, आप घर जाइए मैं चली जाऊंगी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। इतना बोलकर शुगा ते को कैरी करता है और जबरदस्ती काम में बिठा लेता है। सर ये आपने क्या किया, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है जो आप करते हैं वो सही करते हैं? सर ये आप बार बार करते हैं, और अगर आपने बार बार ऐसा ही किया ना तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा ठीक है कर देना, अभी घर चलो। आपको मजाक लग रहा है, मैं सच में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। और आप ये मत समझिए कि आप टीचर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको छोड़ दूंगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरी कंप्लेंट कर दो। इतना बोलकर शुगर कार ड्राइव करने लगता है। Drop the ad.